अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम BSA का ऐसे नंबर 5 जिसका टाइटल है द ओपन विंडो, खुली खिड़की, उसका रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में जो कि H.H. मुनरू ने लिखी है, कहता है कि मिस्टर फ्रैम्पटन एक तजर्बाकार और अधेड़ उम्र शख्स था। वो शहर की पुरजोश और शोरगोगा से भरी हुई ज़िंदगी से तंग आ चुका था। डॉक्टरों ने कुछ दिन उसे आराम के लिए किसी गांव में जाकर कुछ दिन आराम करने का मशवरा दिया। वो मिसेस पेल्टन के देहाती घर में चंद दिन गुजारने के लिए आया। मिसेस पेल्टन उसकी वाकिफ नहीं थी, बल्कि उसकी मिस्टर नटल की बहन की वाकिफ थी, जो कि उस गांव में पहले रह चुकी थी। उसने मिस्टर नटल को गांव के लोगों के लिए तारफी खतूत दिए, ताकि वो उनको दिखाकर, उनका रेफरेंस देकर, उनके उसकी सिस्टर के बारे में बताकर वो वहाँ पर कुछ दिन किसी के यहाँ भी रह ले। उनमें से एक तारफी लेटर जो था, तारफी लेटर वो मिसेस पेल्टन के नाम था। मिसेस पेल्टन को जब मिस्टर नटल मिलने आया तो वो उस वक्त घर की बालाई मंजिल पर बरजमान थी। मिस्टर नटल की उसकी भांजी ने मिसेस पेल्टन की भांजी ने खुश आमदीद कहा। वीरा जो कि एक जिसका नाम वीरा है, जो कि एक 15 साल की लड़की है, पुरतमाद भी है, वो गुफ्तगू के फन में माहिर थी। वो मौका की मुनासबत से वो सूरत हाल के मुताबिक कोई ना कोई बात ज़रूर गढ़ लेती थी। गुफ्तगू के दौरान उसने मिस्टर नटल को बताया कि उसकी खाला बहुत ही मज़लूम औरत हैं। उसका खावंद और दो भाई 3 साल पहले शिकार के लिए गए थे। उसकी खाला को ये वहम लाहक है कि वो किसी न किसी दिन कमरे की खुली हुई खिड़की में से वापस आ जाएंगे। अभी वीरा ने ये बात ख़त्म ही की थी कि उसकी खाला कमरे में आ गई। मिस्टर नटल ने देर से आने की माजरत की और बातों बातों में उसे बताया कि उसने कमरे की खिड़की इसलिए खुली छोड़ी है ताकि उसके खावंद और भाई जो शिकार के लिए गए हैं अभी इसी खिड़की से वापस आएंगे। मिस्टर नटल कमज़ोर असाब का मालिक था। उसे वीरा और उसकी चच्ची की कहानी में वाज़ह तौर पर तजाद नज़र आया। अभी वो इस सदमे से बहाल नहीं हुआ था कि उसने देखा कि खिड़की के सामने वाले लॉन से में से 3 अशख़ास अपनी बंदूकों को बाजुओं पर रखे हुए चले आ रहे हैं। वो कमरे में दाखिल हुए, इसी लम्हे मिस्टर नटल कमरे का दरवाज़ा खोलकर भाग निकला। मिसेस पेल्टन ने आते ही पूछा कि ये आदमी कौन था। उसकी बीवी मिसेस पेल्टन ने बताया कि वो असाबी मरीज़ था। उसने अपनी बीमारी के अलावा कोई बात नहीं की। मालूम होता है कि उसने कोई भूत देख लिया है, जिसकी बिना पर वो यहाँ से चला गया है। वीरा ने स्पेल्टन को बताया कि इस अजनबी शख्स को कुत्तों से बहुत खौफ आता था। उसने बताया कि एक दफ़ा दरिया गंगा किनारे कुत्तों ने उसे घेर लिया। उसने सारी रात एक कब्र में गुजारी और कुत्ते कब्र के ऊपर भौंकते रहे। वीरा ने कहानी जो है फौरन काट ली। अब लेसन रिव्यू में हम देखेंगे कि हु इज़ मिस्टर नटल, मिस वीरा कौन है, वाई वाज द विंडो कैप्ट ओपन, वीरा एज सेंट्रल करेक्टर, एन अबनॉर्मल गर्ल, हर इन्वेंटिव माइंड। इन पहलुओं का, इन पर्सपेक्टिव में हम थोड़ा सा लेसन रिव्यू करेंगे, जिसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर नटल, हु वाज मिस्टर नटल, मिस्टर नटल वाज एन एल्डरली मैच्योर मैन हु केम टू कंट्रीसाइड इन सर्च ऑफ मेंटल पीस। एक पुख्ता उम्र का तजर्बाकार आदमी था जो कि कुछ ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए एक गांव में आया। ही वाज अ सेंसिटिव मैन, बहुत हसास आदमी था, एंड सफर्ड फ्रॉम मेंटल टेंशन, और ज़हनी दबाव का भी शिकार था। ही वांटेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज
इन द विलेज एंड हैड अ डिज़ायर टू इंजॉय इट्स काम एंड सीरेनिटी, सुकून, सीरेनिटी, सुकून जो है उसको उससे लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए वो आया था। ही वॉज़ अ स्ट्रेंजर इन द विलेज, वो एक अजनबी था उस गाँव में। हिज सिस्टर लिव्ड इन विलेज फॉर फ्यू ईयर, उसकी जो है बहन जो है उस गांव में कुछ साल रह चुकी थी। ही हैड अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मिसेस पेल्टन फ्राम हिज सिस्टर, सिस्टर की तरफ से उसे एक तारफी लेटर भी दिया गया था जिसे दिखाकर वो अपना तारफ करवाए। इस तरह उसके रहने का बंदोबस्त मिसेस पेल्टन के यहाँ हो सके। एंड अनदर पॉइंट, वीरा, हु इज़ वीरा, वीरा मिसेस पेल्टन वॉज अपस्टेयर एंड बलाई मंजिल पे थी, वेयर हर नाइस वीरा रिसीव्ड मिस्टर नटल, जहाँ उसकी भांजी वीरा ने मिस्टर नटल को का इस्तकबाल किया। शी वॉज अ गर्ल ऑफ 15, 15 साल लड़की थी, एंड वॉज वेरी इमेजिनेटिव, और बहुत ख़यालाती किस्म की का ज़हन रखती थी। फिर है कि एंड सेल्फ पोजेस्ड, और पुर इत्माद भी थी। मिस्टर नटल टोल्ड वीरा, मिस्टर नटल ने बताया, क्या बताया जी, द पर्पज़ ऑफ हिज विजिट टू द विलेज, कि उसका गांव में आने का मकसद क्या है। ही टोल्ड वीरा दैट ही वॉज अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर इन द विलेज, ही डिड नॉट नो एनी वन अबाउट हर आंट एक्सेप्ट हर एड्रेस एंड नेम, वो उसकी खाला के मुतल्लक सवाए इसके के उसका एड्रेस और नाम जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। ही वॉज अ पेशेंट ऑफ नर्व्स, वो असाबी बीमार था, एंड वांटेड टू इन्जॉय द सॉलिट्यूड ऑफ द विलेज, और वो कह लें तन्हाई, देहाती देहात में तन्हाई को से पूरा लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहता था। फिर है इन ऑर्डर टू रिलैक्स हिज नर्व्स, अपने असाब को आसूदा करने के लिए और कुछ फ़र्क हासिल करने के लिए। ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाई दी नॉइज़ एंड एक्साइटमेंट, वो शोर और जोशो खरोश से काफ़ी हद तक परेशान था, ऑफ दिस सिटी, एक शहर के। द नेक्स्ट पॉइंट कम आउट टू आवर कंसिडरेशन, वाई वॉज द विंडो कैप्ट ओपन। वीरा टोल्ड मिस्टर नटल, वीरा ने मिस्टर नटल को बताया दैट हर आंट वॉज अ मिजरेबल वीमेन, एक मुसीबत ज़्यादा खातून है। हर ट्रेजडी हैपन जस्ट 3 years ago, उसके साथ 3 साल पहले एक अलमिया दरपेश आया। इट वॉज कनेक्टेड वन वे और दी अदर वे विद दी फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन दी ऑन टू दी लॉन, इसका तल्लक जो है खिड़की के खुले होने या ना होने से है। She told Mr. Nuttall that her, अपने मिस्टर नटल को बताती है कि हर हस्बैंड एंड हर टू ब्रदर्स विद देयर डॉग वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, के उनका हस्बैंड खावन और उनके दो भाई जो हैं शिकार के लिए उस दिन निकले हैं। दे नेवर केम बैक, फिर वो वापस कभी नहीं आए। दे वार इंगल्फ इन ट्रैकरस मार्शी पीस ऑफ लैंड, कहने के बहुत ही ज़्यादा दलदली इलाके में वो जो हैं घिर के मारे गए हैं। देयर बॉडीज वार नेवर रिकवर्ड, उनकी लाशें तक नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, जो कि स्टोरी का बहुत ही खौफनाक तरीन हिस्सा है, जो कि मिस्टर नटल की
असाब पर फिर दोबारा बुरे असरात डालता है, उसे डिप्रेशन में ले जाता है। शी टोल्ड मिस्टर नटल दैट हर आंट कैप्ट द विंडो ओपन, कि उसकी खाला जो है अमूमन ये खिड़की जो है खुली रखती है एवरी इवनिंग, हर शाम को, टिल इट वॉज डस्क, जब तक कि शाम सूरज नहीं डूब जाता। शी एक्सपेक्टेड दैट, उसे तवक्को है दे वुड कम बैक फ्राम द विंडो, के वो उसी खिड़की में से वापस आएंगे। शी टोल्ड मिस्टर नटल, उसने मिस्टर नटल को बताया, हो हर आंट सेड फेयरवेल टू हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर्स, किस तरह उसने अपने भाइयों और खामों को अलविदा कहा था। हर हस्बैंड विद हर वाइट प्रूफ वाटर प्रूफ कोट ऑन हिज आर्म एंड हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग लुक्ड वेरी चार्मिंग एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, रवानगी के वक़्त उसका छोटा, सबसे छोटा भाई जो है गीत गा रहा था सुर वाले और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इन दिस वे वीरा इम्प्रेस्ड मिस्टर नटल को वीरा जो है वो मुतासर करने की कोशिश करती है और कर भी जाती है, लॉट विद दी नारेशन ऑफ हर आंट्स ट्रेजडी अलमिये को बयान करते हुए अपनी खाला, ठीक है। तो फिर है मिसेस पेल्टन इंटर्ड द रूम ऑल एट वंस, अचानक मिसेस पेल्टन जो है अचानक कमरे में नमूदार होती है। शी वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट लेडी, शी ऑफर्ड मैनी अपोलोजीज फॉर कमिंग लेट, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि माजरताना रवैया अख्तियार करती है कि वो लेट आई है। शी टोल्ड मिस्टर नटल द रीज़न फॉर कीपिंग द विंडो ओपन इन अक्टूबर इवनिंग, कि अक्टूबर के महीने में क्यों खिड़की जो है खुली रखी गई है। फिर कहती है शी टोल्ड हिम दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर वुड बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, के उसके हस्बैंड और भाई जो हैं खावन और भाई सीधे शिकार से वापस इसी खिड़की के रास्ते आएंगे। दे ऑलवेज केम इन दैट वे, वो हमेशा इसी रास्ते से वापस आते हैं। दे वेंट आउट फॉर हंटिंग दैट डे, वो उस दिन शिकार के लिए गए हुए थे। शी रैटल चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्केस्टी ऑफ बर्ड्स, उसने फिर खुशी से ये भी बताया गुफ्तगू करते हुए कि शिकार क्या है और शिकार में परिंदों की कमी भी है। एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और मतवक़ तौर पे कितनी मरगाबियाँ या बतखें शिकार की जा सकती हैं। टू मिस्टर फ्रैम्पटन इट वॉज आल प्योरली हॉरिबल, तो मिस्टर जो फ्रैम्पटन है उसके लिए ये सारी चीज़ें खौफनाक थीं। फिर है कि मिस्टर नटल वॉज अ पेशेंट ऑफ नर्व्स, ही केम टू द विलेज इन सर्च ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है एक पॉइंट कि डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू रिमेन इन कंट्री साइड फॉर डेज सम डेज टू हैविंग अ सूदिंग हिज नर्व्स। वीरा जो है वो एक और कहानी घटती है, बट वीरा क्वाइंड अनदर स्टोरी, शी टोल्ड हर अंकल, वो अपने जो है मामू को बताती है दैट मिस्टर नटल हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, मिस्टर नटल को कुत्तों से खौफ आता है। वंस ही वॉज टर्चर्ड इन टू अ सिमेट्री, एक दफ़ा उसके ऊपर जो है एक कब्रस्तान में तशद्दुद किया गया और उसे उसके पीछे कुत्ते लग गए और उसे जो है मिस्टर नटल को
वो रात जो है वो एक वीराने कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र में गुजार दी पड़ी, जिसके बाद से वो ना सिर्फ कुत्तों से खौफ खाता है बल्कि अंधेरे, तन्हाई और जो है रात के अंधेरे से भी खौफ खाता है। इसी तरह कहानी का अंजाम होता है इस नोट पे कि वीरा इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल एंड ही कैन क्वाइन एनी स्टोरी एनी टाइम एज शी इज़ नेग्लेक्टेड बाई हर आंट एंड शी वर नेवर ट्रेंड और लेसन टू वर्क विद दी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, द रीडर्स नोज दैट शी हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू स्टोरी टू सेव द सिचुएशन। उस मुमकिन हालात में से बचने के लिए उसने कहानी तो गढ़ ली। द वर्जन ऑफ हर स्टोरी इज़ नॉट वेरी क्रेडिबल, जो उसका कहानी का हवाला है वो ज़्यादा काबिल यकीन नहीं है। मिस्टर फ्रैम्पटन इज़ अ मैच्योर एजुकेटेड मैन हु हैज़ कम टू द विलेज फ्राम द सिटी, जो कि गाँव में आया है शहर में। फिर है आगे वीरा ओपन विंडो का जो है मरकजी किरदार है। वीरा कहानी के तमाम वाक़या को बयान करती है। हम ये कह सकते हैं कि कहानी की खालिक वही है, उसका कहानी को बयान करने का तरीका बहुत मौसर और जामे है। वो मिसेस पेल्टन की भांजी है, उसके वालदैन मर चुके हैं, अब वो अपनी खाला के पास रहती है। कहानी से पता चलता है कि उसकी परवरिश सही तौर पर नहीं हुई, उसकी शख्सियत में बहुत सारी खूबियों की कमी है। इट्स स्टूडेंट, इट्स रिव्यू ऑफ द एंटायर लेसन। वी कैन हैव द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्रैम्पटन एज वेल, करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पेल्टन, एंड वीराज करेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्रिटिकल नोट मे बी रिटन फॉर दिस लेसन इन अ गुड वे टू एज पर द क्रिटिसिज्म मैथड। थैंक यू वेरी मच।